हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग, की हाल चाल। आप सब मित्र श्रद्धा नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल अगार्थियन राइडर में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेसिंग वाइजर को लेकर कि इसकी प्राइस क्या है और एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा इसके साथ और क्वालिटी कैसी है। आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपने चैनल पर। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं अपनी एक्सपीरियंस की। तो गाइस, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो गाइस, आप जब इसको लेकर निकलते हैं रोड पर ना, तो वैसे आरसी आज तक मतलब KTM की बाइक्स को सबने देखा है, लेकिन जब ये निकलती है ना, एक अलग ही अटेंशन ग्रैब करती है लोगों की। तो एक उस वक्त जो फील आती है गाइस ना, रियली बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि यार लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं। शायद मैं उतना अट्रैक्टिव ना हो कि मेरी बाइक अट्रैक्टिव है गाइस, और अटेंशन लोगों की मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है। लोग जानना चाहते हैं कौन सी बाइक है, कैसी बाइक है, तो वहाँ तो ये अच्छा लगता है। लेकिन गाइस, अगर बात करें हम इसका क्वालिटी कैसा है, तो गाइस क्वालिटी वाइज ये बहुत ही घटिया क्वालिटी की है। इसको आप लेने को तो आप ले लेंगे, लेकिन क्या होगा कि जब इसको एडजस्ट मतलब सेट करेंगे इसको आप हेड में, तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि गाइस जो इसका जो भाई गाइस जो होल्स हैं जिसमें आपको नट को टाइट करना होता, कसना होता है गाइस, वो सही लोकेशन पे नहीं है। क्योंकि पता नहीं ये चीप प्रोडक्ट है गाइस, मतलब कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, लोकल प्रोडक्ट है गाइस, तो इसके होल्स जो हैं कभी ऊपर कभी नीचे कभी सही लोकेशन पे नहीं है। तो आपको जब इसे आप सेट करेंगे तभी आपको दिक्कत फिर थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ज़रा सा भी आप एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़रा सा भी आप लगाते हैं इसको टाइट करने के लिए, तो ये गाइस तुरंत टूट जाता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब ज़रा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं है, और उसी वक्त ये टूट जाएगा। और फिर आपका जो पैसे पे किए रहेंगे आप ना, तो फिर आपको फिर समझ होगा कि कैसा होता है जब आप घटिया प्रोडक्ट खरीदते हैं एक अच्छा पैसा लगा के। तो गाइस, ये थोड़ा इसकी क्वालिटी की बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। और गाइस, मैं इसकी अगर प्राइस की बात करूं गाइस, तो मैंने इसको 4000 देकर गाइस पे किया था, ख़रीदा था मैंने इसको, मैंने इसके लिए 4000 पे किया था गाइस। और ये प्रोडक्ट 4000 के लायक नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच बताऊं तो ये प्रोडक्ट अगर आप 500 या 1000 इससे ऊपर आप बिल्कुल ही ना दें इसके लिए, क्योंकि गाइस ये टोटली वेस्ट मनी है गाइस, टोटली वेस्ट। आपने इसका पैसा ही आपका खर्च होगा इस पर, और कुछ नहीं होगा, बस बर्बाद होंगे पैसे आपके। अगर आपके पैसे आप कमाते हैं या फिर आपके पेरेंट्स के ही पैसे हैं गाइस, तो वो मायने करते हैं। अगर आप घर पे नोट छाप रहे हैं गाइस, तो फिर आप इसको आप 10000 भी खरीदेंगे तो भी आपके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पैसे जेन्युइन हैं पैसे भाई, गलत तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो पैसे आपको मतलब खल जाएंगे, आपको तकलीफ़ दे जाएगी, यार मैंने इस घटे प्रोडक्ट के लिए मैंने इतना पैसा क्यों फंसाया। तो गाइस, अब सिंपल जो पैसे के मैंने डिस्कस किया 4000 रुपये, तो गाइस बस ये 4000 फिक्स प्राइस का नहीं है गाइस, ये इस पर भी एक स्कैम चल रहा है। स्कैम क्या है गाइस, कि इसकी अवेलेबिलिटी है कम भाई, ये अवेलेबल बहुत ही रेयर जगहों पे भाई, बहुत कम ही अवेलेबल है ये। और जेन्युइन पार्ट्स आप अगर लेने जाते हैं आरसी का, जेन्युइन वाइजर लेने जाते हैं, तो आपको वो लगभग इंपोर्ट कराना पड़ेगा गाइस, और लगभग वो 10 से 15 हज़ार का आपको कम से कम पे करने होंगे। लेकिन गाइस, उसका वो जो प्रोडक्ट रहेगा गाइस ना, उसकी क्वालिटी A1 क्वालिटी रहेगी, मतलब जैसी आपकी आरसी क्वालिटी देती है अपनी वाइजर्स की, सेम वैसे ही क्वालिटी रहने वाली गाइस। और आप सस्ते के लिए आप इसको पिक खरीद लेते हैं गाइस, मैंने 4000 लिया था, मुझे तकलीफ़ हुआ गाइस, लेकिन ये था कि आप लोगों को दिखाना था कि आखिर ये वाइज़र है कैसा। गाइस, मैं बता दूँ जिस इसकी अवेलेबिलिटी कम है, ये अवेलेबल बहुत कम जगहों पे है, तो लोग मुँह मांगा रकम मांगते हैं, कोई 1000 मांगता है, कोई 1500, कोई 1800, कोई 2300, और गाइस कोई 3000। मैंने इसके लिए 4000 पी के गाइस, मेरे पास उसकी रसीद भी है गाइस, मैं आपको वो भी शेयर कर लूँगा, आप देख लीजिएगा। तो गाइस, इसके हम यही चल रहा है कि ये अवेलेबल कम है, तो लोग आपके पैसे लूट रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो शेयर भी करते हैं उनके उन सेलर्स को कि आप यहाँ से परचेज़ कीजिए, क्योंकि गाइस उनका अपना कुछ ना कुछ होगा प्रॉफिट गाइस। क्योंकि अगर आप बिना मतलब किसी को लाइक नहीं देते हैं, तो आप किसी का लिंक ऐसे ही सेलर किसी सेलर का लिंक आप ऐसे ही तो नहीं शेयर करेंगे, किसी को प्रमोट तो नहीं करेंगे आप। तो गाइस, मैं उन यूट्यूबर्स को नहीं जानता वो कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी प्रॉफिट है, बस इतना बता दूँ कि आप उनके चक्कर ना जाएं, आप जेन्युइन यूट्यूबर्स को देखिए। कुछ बंदों ने पहले भी इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू बना रखा है कि ये घटिया प्रोडक्ट है गाइस, और ये टोटली पैसा वेस्ट है गाइस। और मैं भी आज वही आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है गाइस, बस ये खूबसूरत है, बस गाइस ये बस खूबसूरत है, इसके अलावा इसके अंदर और कोई ही अच्छी बात नहीं है। जितनी खूबसूरत आपने कहावत सुनोगी, मतलब लोग अक्सर कहते रहते हैं कि जो जितनी खूबसूरत चीज़ होती है ना, वो उतनी बेवफा होती है, तो बिल्कुल गाइस ये वही है। और ये मैंने इसमें पैसे फंसा कर आज मैं गाइस थोड़ा तकलीफ़ होती है गाइस कि अब मैंने 4000 खर्च करा और मिला क्या, तो बहुत ही घटिया प्रोडक्ट। तो लास्ट में मैं कंक्लूजन में आपसे मैं यही शेयर करना चाहूँगा कि गाइस, इसके लिए आप 4000 पे ना करें। अगर 1500 तक आपको मिलता है तो आप ले लीजिए, फिर भी वो पैसे इसके लिए ज़्यादा ही होंगे। तो गाइस, अगर मैं
भाई गाइस, अगर आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ तो मेरा काम है कि मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊँ, जेन्युइन रिव्यू करूँ। गाइस, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, मैंने खर्च किया पैसे और मैंने प्रोडक्ट मंगाया, तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको क्या हकीकत है मैं उसे वाकिफ़ कराऊँ। तो गाइस, यही है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही घटिया है और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए आप 1,500 से ज़्यादा बिल्कुल ही खर्च ना करें, टोटली पैसा वेस्ट होगा अगर इससे ज़्यादा आप खर्च करते हैं। तो अगर आपका शौक है गाइस फालतू पैसे, देन यू हैव टू गो गाइस, नहीं तो फिर आप बिल्कुल इससे मत लीजिए। आप जेन्युइन प्रोडक्ट पर जाइएगा, कम से कम आप ये तो रहेगा कि आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। तो गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। और मैं गाइस बाकी यूट्यूबर्स में क्या बताऊँ गाइस, वो बस बना देते हैं उनका अपना, या जो भी उनका अपना प्रॉफिट रहता होगा गाइस मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे हूँ तो बना रहा हूँ वीडियोज़, तो मेरा काम बनता है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको हकीकत और से ही रिव्यू, हकीकत से ही वाकिफ़ कराऊँ और रिव्यू जेन्युइन आपको। तो गाइस, अगर हम इसकी प्रोज और कॉन्स की बात करें तो अगर इसकी अच्छाई मैं बताऊं गाइस, तो बस एक और आखिरी अच्छाई इसमें यह है गाइस कि इसकी खूबसूरती, जितना खूबसूरत है गाइस बस यही इसकी क्वालिटी अच्छी है। और बाकी अगर आप इसकी खामियां मैं आपको काउंट करा दूं, तो पहली खामी गाइस ये है कि ये बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है, बहुत ही चीप प्रोडक्ट है गाइस ये। इसके ज़्यादा घटिया तो मतलब क्या मैं बताऊँ क्या हो सकता है, आई डोंट नो गाइस, बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है। सेकेंड थिंग गाइस, अगर आप रात में इस बाइक को लेकर चलते हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती है, आप अपने आगे का 10 मीटर तक का भी इसको लेकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देता है, विजिबिलिटी इतना कम होता है गाइस, इसमें से लाइट पास नहीं हो पाती गाइस। और तीसरी चीज़ मैं कैसे बता दूँ कि टोटली पैसा वेस्ट है गाइस, ये टोटली पैसा वेस्ट है। आप इसके लिए अगर पैसे 4,000 खर्च करते हैं या 3,000 या 2,500 या 1,500 भी, तो ये टोटल आपका पैसा वेस्ट जा रहा है, ये प्रोडक्ट डिज़र्व नहीं करता है। और चौथी खामी बात कर दूँ गाइस, तो आपके दिमाग में जितनी भी कमियाँ इसके लिए आ रही हों वो सब आप ऐड करते जाइए, सारी चीज़ें इसके, वो सारी कमियाँ इसके लिए जेन्युइन होंगी, वो ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसके अंदर वो सारी कमियाँ हैं गाइस। तो बस आप, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि डोंट बाय दिस प्रोडक्ट, बहुत ही चीप क्वालिटी का है। अगर आपको बहुत शौक है रेसिंग वाइजर गाइस, तो आप जेन्युइन प्रोडक्ट लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो गाइस, अगर हाँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो गाइस रेसिंग वाइजर के लेके, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल अगाची राइडर।